पूर्व पिछले व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसके अनुसार हमने दो प्रकार की ज्यामितियों का अध्ययन किया। पहला, वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। दूसरे, वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु पर कम से कम एक अथवा अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण निम्न क्रम में घटता है। सबसे अधिक प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर के मध्य, उससे कम प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य, और सबसे कम प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर के मध्य। प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हम संयोजकता आवंद सिद्धांत के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। संयोजकता आवंद सिद्धांत, हाइटलर तथा लंडन के अनुसार जब दो परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं तब उनके बीच कोई भी म्यूचुअल इंट्रैक्शन अन्योन क्रिया नहीं होती। जैसे जैसे दोनों परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं वैसे वैसे उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण उत्पन्न होते जाते हैं। प्यारे बच्चों, आकर्षण बल निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं, किसमें उत्पन्न होते हैं समझने के लिए जरा फिगर देखिए। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ए का, ये इलेक्ट्रॉन है बी का, ये नाभिक है ए और ये नाभिक है बी। तो पहला आकर्षण होता है हमारे पास एक परमाणु के नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच। जैसे ए का नाभिक है हमारे पास ये और इसका इलेक्ट्रॉन है ये, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दूसरा, बी का नाभिक है और बी का इलेक्ट्रॉन है ये वाला, दोनों ये बी का नाभिक है और ये बी का इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दूसरा, एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन, यानी एक ये आपके पास नाभिक है ए का और बी का क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार बी का नाभिक है और ए का क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आकर्षण बल कहां उत्पन्न हुए, एक नाभिक और उसी का इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाभिक और उसी का इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाभिक और उसी का इलेक्ट्रॉन, तथा एक नाभिक और दूसरे का इलेक्ट्रॉन और दूसरा नाभिक और पहले का इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार प्रतिकर्षण कहां उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है और नाभिक नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ये नाभिक है ए का और ये नाभिक है बी का, तो इनमें भी प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण कहां होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और नाभिक नाभिक के बीच में। आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, परमाणु एक दूसरे के निकट आएंगे, और प्रतिकर्षण बल क्या करते हैं, उनको एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करते हैं। नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मान से कैसा होता है, अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं और उनके स्थिति ऊर्जा में कमी आती है। प्यारे बच्चों, एक स्थिति में नेट आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है और निकाय की ऊर्जा कैसी हो जाती है, न्यूनतम। इस अवस्था में दोनों परमाणु आवंदित यानी बॉन्डिंग कहलाते हैं और एक स्थायी अणु बनाते हैं। क्योंकि दो परमाणुओं के बीच आवंद बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए अणु दो पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि दो परमाणुओं के बीच आवंद बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, यही कारण है कि अणु परमाणुओं की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। और इस प्रकार मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, आवंद एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के एक मोल अणुओं के वियोजन के लिए 435.8 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अणु की फॉर्म है, तो हाइड्रोजन अणु की फॉर्म का मतलब है हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड पेयर है, या हम कह सकते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब क्या हो कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना ले ले और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना ले ले गैसीय स्टेट में, तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, तो हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसके डिसोसिएशन से जो ऊर्जा मुक्त होगी वो कितनी है, 435.8 किलो जूल प्रति मोल। हाइड्रोजन अणु के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच अंतर नाभिक दूरी के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का आरेख दिखाया गया है। इसमें
ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे ये जो डिस्टेंस है कम हो रही है, तो यहाँ पर एक न्यूनतम डिस्टेंस पर अणु है हाइड्रोजन, वो सबसे स्थायी स्थिति में है। यानी जो H2 की स्थिति दिखाई गई है, ये H2 की विभिन्न स्थितियां दिखाई गई। तो यहां पर 435.8 किलोजूल प्रति मोल की जो ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा स्थायी अवस्था को प्रदर्शित करती है। यहां पर आबंध लंबाई कितनी है, 74 पिकोमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी है, 74 पिकोमीटर। कक्षक अतिव्यापन अवधारणा, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, एक परमाणु ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन वाले दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिसे पूर्ण भरित यानी फुल फिल्ड परमाणु ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। जब परमाणु ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसे हाफ फिल्ड परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। जब परमाणु ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसको एम्प्टी यानी रिक्त परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। जब ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं विपरीत स्पिन वाले तो फुल फिल्ड, क्या बोलेंगे इसको, फुल फिल्ड। और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे हाफ फिल्ड। और जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी। कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के अनुसार दो परमाणुओं के संयोजी कोश में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के संयोग होने से सहसंयोजी आवंद बनता है। यानी जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, दो परमाणुओं के संयोजी कोश में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के संयोग होने से। कोई भी परमाणु उतने ही सहसंयोजक आवंद बना सकता है जितने अर्ध पूर्ण भरित परमाणु ऑर्बिटल होते हैं। सहसंयोजक आवंद की प्रबलता परमाणु ऑर्बिटलों के अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। सहसंयोजक आवंद की प्रबलता परमाणु ऑर्बिटलों के अति व्यापन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। परमाणु ऑर्बिटल का अति व्यापन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला SS ओवरलैपिंग यानी SS अति व्यापन, दूसरा SP ओवरलैपिंग यानी SP अति व्यापन, और तीसरा PP ओवरलैपिंग यानी PP अति व्यापन। परमाणु कक्षकों का अति व्यापन, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब दो परमाणु आवंद विचरण यानी वेरिएशन के लिए पास आते हैं तब उनके ऑर्बिटलों का ओवरलैपिंग यानी अति व्यापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। यह ऑर्बिटल तरंग फलन के आयाम की दिक स्थान में दिशा और चिन्ह पर निर्भर करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करता है। धनात्मक अति व्यापन में पॉजिटिव एंड पॉजिटिव से जुड़ता है, नेगेटिव एंड नेगेटिव से जुड़ जाता है। यदि ऋणात्मक अति व्यापन की बात करते हैं तो जो पॉजिटिव लोब होता है वो नेगेटिव से जुड़ता है, या इसको आउट ऑफ फेस ओवरलैप कहा जाता है। धनात्मक अति व्यापन को पॉजिटिव ओवरलैपिंग या इन फेस, इसको बोलते हैं इन फेस ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे ये पी जेड कक्षक है तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से ओवरलैप करता है, ठीक ना, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है आपके पास, इसको इन फेस ओवरलैपिंग कहते हैं। इसी प्रकार एस और पी के पॉजिटिव एंड्स मिल जाते हैं तो एस, इसी प्रकार पी एक्स की जो साइड बाई साइड ओवरलैपिंग होती है उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव लोब्स मिलते हैं, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो ये सब क्या है आपके पास, इन फेस ओवरलैपिंग। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, ऋणात्मक अति व्यापन, इसमें पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड की ओवरलैपिंग होती है, इसको आउट ऑफ फेस ओवरलैपिंग कहा जाता है, इसको कहते हैं आउट ऑफ। इसे यहां पर देखिए डिफरेंस क्या है कि यहां पर दोनों पॉजिटिव एंड आपस में ओवरलैप किए हुए हैं जबकि यहां पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात करते हैं जीरो ओवरलैपिंग यानी शून्य अतिव्यापन की। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि तीन प्रकार की एक्सिस होती हैं, ये हमारे पास है जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। आपको बताया था कि
ओवरलैपिंग जो होती है एक ही अंतरनाभिकीय अक्ष पर होती है। यहां पर जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने वाले होते हैं वो अलग अलग एक्सिस पर होते हैं। जैसे कि एक हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है, तो पी वाई ऑर्बिटल इस वाली एक्सिस पर है और पी एक्स ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर है, और इनकी ओवरलैपिंग हमें किस एक्सिस पर दिखाई है, जेड एक्सिस पर। तो ऐसी कोई भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, अर्थात यहां पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। इस प्रकार की ओवरलैपिंग को जीरो ओवरलैपिंग या शून्य अतिव्यापन कह गए। इसी प्रकार यहां देखिए, यहां पर जो पी ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस पर है और जो एस ऑर्बिटल है वो जेड एक्सिस पर है। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस वाली स्थिति में भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, अर्थात यह भी क्या होगा, शून्य अतिव्यापन के प्रकार और सहसंयोजी आवंत की प्रकृति। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सिग्मा आवंत यानी सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, अर्थात एक ही अंतरनाभिकीय अक्ष पर परमाणु ऑर्बिटलों के सिरों द्वारा यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से और एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड परमाणु कक्षकों के विभिन्न अतिव्यापन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला हमारा अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग होता है एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग में क्या है, एक हमारे पास एस कक्षक है, कौन सा कक्षक है, ये एस। एक और एस कक्षक है, यदि हम एक्सिस की बात करें तो ये दोनों एक ही अक्ष पर हम आपको शो करते हैं। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग होने से ये दोनों परमाणु ऑर्बिटल एक ही अक्ष पर ओवरलैप कर गए। तो यहां जो ओवरलैपिंग हुई ये वाली, ये कहलाएगी एस एस ओवरलैपिंग। और इस प्रकार प्राप्त कक्षक को कहते हैं एस एस कक्षक, और ये जो बॉन्ड होता है इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। एस कक्षक का एस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड प्राप्त होता है, सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं एसपी ओवरलैपिंग की। इसको समझने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करते हैं। दो ऑर्बिटल थे हमारे पास एक्स और वाई अक्ष की बात करते हैं। ये एस कक्षक है और ये पी एक्स कक्षक है, और इन्होंने ओवरलैपिंग की और ओवरलैपिंग करने के बाद एक ही अक्ष पर किस प्रकार से ओवरलैपिंग हो रही है, ये एस कक्षक और ये पी कक्षक। एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये इसका वाई अक्ष, तो यहां पर एक ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो ये एस पी एक्स ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग। तो इस केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अर्थात एस और पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है, पी पी ओवरलैपिंग। एक ही अक्ष की बात करते हैं, पुनः हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर दो पी ऑर्बिटल लेंगे। एक हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल है और पी एक्स ऑर्बिटल है, इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग होने से एक ही अक्ष पर क्या हुआ कि पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई, ये वाई अक्ष अपनी जगह रही तो ये एक्स एक्सिस आ गई। तो यहां जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये है पी एक्स पी एक्स ओवरलैपिंग। तो यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग करने से भी कौन सा बॉन्ड प्राप्त होता है, सिग्मा बॉन्ड प्राप्त। पाई बॉन्ड, एक दूसरे के समानांतर तथा अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत अक्ष पर परमाणु ऑर्बिटलों के पार्श्व द्वारा साइड बाय साइड और लेटरल ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास दो पी ऑर्बिटल्स हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करते हैं।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस पर दो परमाणु ऑर्बिटल हैं हमारे पास, ये पी वाई है और ये भी पी वाई है। इन दोनों ने मिलाकर साइड बाई साइड ओवरलैपिंग की, ये पी वाई ऑर्बिटल है, ये भी पी वाई ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहां पर क्या हुआ, ये ओवरलैपिंग हो रही है आपके पास और ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पी वाई साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, और यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहां बनेगा पाई बॉन्ड। इसी प्रकार पीजेड पीजेड में भी पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा और पाई बंधों की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। प्यारे बच्चों, सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। दो परमाणुओं के बीच पाई बंध कभी अकेला नहीं पाया जाता, यह सदैव सिग्मा बंध के साथ उपस्थित होता है। इस बात को नोट कर लेना, पाई बंध कभी भी अकेला नहीं होता, यह सदैव सिग्मा बंध के साथ उपस्थित होता है। पाई बंध सदैव उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें बहुआवंध यानी या तो द्विबंध होते हैं या उनमें त्रिबंध यानी त्रिआवंध उपस्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं सिग्मा और पाई बंध में अंतर की, द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जैसा आप जानते हैं, सिग्मा आवंध दो परमाणु ऑर्बिटलों के सिरों के द्वारा अतिव्यापन यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बंध दो परमाणु ऑर्बिटलों के एक ही अक्ष पर पार्श्वीय अतिव्यापन साइड बाई साइड ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग इसको कह सकते हैं के द्वारा बनता है। सिग्मा बंध अधिक शक्तिशाली होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, यानी पाई आवंध कैसा होता है, दुर्बल, और सिग्मा आवंध कैसा होता है, प्रबल होता है। सिग्मा आवंध की क्रियाशीलता कम होती है और पाई आवंध अधिक क्रियाशील होते हैं, अर्थात जिस यौगिक में जितने अधिक पाई बंध उपस्थित होते हैं उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। यही कारण है कि त्रिबंध द्विबंध से ज्यादा क्रियाशील है, यही कारण है द्विबंध एकल बंध से ज्यादा क्रियाशील होता है। सिग्मा आवंध का स्वतंत्र अस्तित्व होता है जबकि पाई आवंध सदैव सिग्मा आवंध बनने के पश्चात बनता है, यानी जहां पर भी पाई आवंध उपस्थित होगा वहां पर ऑलरेडी पहले से ही एक सिग्मा बंध उपस्थित होगा, एकल बंध सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक एकल बंध सिग्मा आवंध होता है, यानी जितने भी एकल बंध बनते हैं वो सब कैसे होते हैं, सिग्मा आवंध होते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास है एग्जाम्पल हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में एच सिंगल बॉन्ड एच, तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। बात करते हैं सी एच फोर के केस की, इसमें एक कार्बन है और इससे चार हाइड्रोजन लगे हुए हैं एकल बंध के द्वारा, तो ये ही सिग्मा बॉन्ड है। बात करते हैं सी टू एच सिक्स की, इसमें दो कार्बन है और छह हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो प्रत्येक एकल बंध ही क्या है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार यहां पर कुल मिलाकर सेवन सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर देखा जाए तो फोर सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर देखा जाए तो सिंगल यानी वन सिग्मा बॉन्ड है। तो इस प्रकार प्रत्येक एकल बंध सिग्मा बंध होता है। द्विआवंध डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई आवंध मिलकर एक द्विबंध का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन ओ डबल बॉन्ड ओ, तो जब यहां डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें एक सिग्मा बंध होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। दूसरा एग्जाम्पल सी टू एच फोर की बात करते हैं, दो कार्बन है और चार हाइड्रोजन एकल बंध से लगे हुए हैं और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, द्विबंध। तो इस केस में क्या होगा, ये सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये भी सिग्मा, लेकिन यहां पर द्विबंध है तो इसमें एक सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। इस प्रकार यहां पर देखा जाए तो एक दो तीन चार पांच, यहां पर पांच सिग्मा बंध है और यहां पर एक पाई बंध है, यहां पर देखा जाए तो यहां पर एक सिग्मा बंध है और एक यहां पर पाई बंध है,
और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेंजीन है हमारे पास सी सी सी, एक चक्रीय संरचना की फॉर्म है, इसके प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ऑल्टरनेट स्थिति में डबल बॉन्ड है। तो ऐसे केस में यहां पर देखा जाए तो ये सिग्मा बंद है, ये भी सिग्मा बंद है, प्रत्येक हाइड्रोजन सिग्मा बंद से लिंक है, कार्बन कार्बन के बीच में यहां सिग्मा बंद है। अब बात करते हैं कि इनमें क्या है, तो यहां डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, इसी प्रकार यहां पर एक सिग्मा है एक पाई बंद है, यहां पर एक सिग्मा है एक पाई बंद है, तो कुल मिलाकर इस पर तीन तो पाई बंद हो गए, 12 क्या हो गए इस पर सिग्मा, और तीन क्या हो गए इस पर पाई। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा और 3 पाई बंद इस पर उपस्थित हो गए। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बेंजीन का। त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा बंद और दो पाई बंद मिलकर एक त्रिआबंध का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रोजन का, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो इसमें क्या होगा, एक तो सिग्मा बंद है इसमें और दो पाई बंद है, तो क्या लिखेंगे, एक सिग्मा बंद है इस पर और दो पाई बॉन्ड है। C2H2 का एग्जाम्पल देखते हैं, दो कार्बन है इनके बीच में एक त्रिआबंध है और एक हाइड्रोजन से, दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन से, तो ये सिग्मा बंद ये भी सिग्मा बंद, यहां पर एक सिग्मा है और दो पाई बंद हैं, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं इस पर दो पाई बंद हैं और तीन सिग्मा बंद हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और वैलेंसी पूरी करने कर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहां पर है। अब प्रश्न ये है कि इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। प्यारे बच्चों देखिए, जहां पर भी एकल बंद है ये सब सिग्मा बंद है, एक ये भी सिग्मा बंद है, यहां पर सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो सब क्या है एकल बंद, और एकल बंद क्या है सिग्मा बंद, कार्बन कार्बन बीच एकल बंद है, तो ये भी सिग्मा बंद हो गया, ये भी सिग्मा बंद हो गया। अब मल्टीपल्स बॉन्ड की बात करते हैं, तो जहां मल्टीपल्स बॉन्ड लगे हुए हैं वहां पर क्या है कि देखिए, जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, यहां पर भी एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, यहां पर एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है, तो इस प्रकार इस पूरे स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए। अब काउंट कीजिए सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब पाई बॉन्ड कितने हो गए इसमें, पाई बॉन्ड काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो इस प्रकार किसी भी स्ट्रक्चर में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एकल आबंध की लंबाई सबसे अधिक होती है तथा त्रिआबंध की लंबाई सबसे कम होती है। एकल आबंध सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा द्विआबंध होता है, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, ये बड़ा होगा सी डबल बॉन्ड सी, और ये बड़ा होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे बड़ा कौन सा हो गया सिंगल बॉन्ड। प्यारे बच्चों त्रिआबंध की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और एकल आबंध की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि त्रिआबंध पर दो पाईबंध उपस्थित होते हैं, द्विआबंध पर एक पाईबंध उपस्थित होता है, और एकल आबंध पर कोई भी पाईबंध उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि पाईबंध सिग्मा बंध की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, अतः त्रिबंध की क्रियाशीलता द्विबंध से ज्यादा होती है और द्विबंध की क्रियाशीलता एकल बंध से ज्यादा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिआबंध सबसे अधिक क्रियाशील होता है और एकल आबंध सबसे कम क्रियाशील होता है। प्यारे बच्चों जिस आबंध को तोड़ने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आबंध उतना ही अधिक प्रबल होता है। त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड
की सामर्थ्य सबसे अधिक होती है और एकल बंध की सामर्थ्य सबसे कम होती है। इसका कारण क्या है कि त्रिबंध को तोड़ने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आबंधों की सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार होता है। सबसे अधिक प्रबल होता है त्रिआबंध, उससे कम प्रबल होता है द्विआबंध और उससे भी कम प्रबल होता है एकलाबंध। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिआबंध की सामर्थ्य सबसे अधिक होती है। क्रैश रिवीजन। प्यारे बच्चों, आज के व्याख्यान में हमने जिन बिंदुओं की चर्चा की वे थे संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसके अंतर्गत कक्षीय अतिव्यापन अवधारणा, कक्षक अतिव्यापन अवधारणा, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन जिसके अंतर्गत हमने आपको SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP अतिव्यापन के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त धनात्मक और ऋणात्मक अतिव्यापन और शून्य अतिव्यापन के बारे में भी बताया। इनके द्वारा आपको सिग्मा और पाई बंध का बनना भी आपको बताया। अतिव्यापन के प्रकार और सहसंयोजी आबंध की प्रकृति, सिग्मा और पाई आबंधों की प्रबलता के बारे में आपने जाना। इसके अतिरिक्त एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध के बारे में हमने विस्तार पूर्वक आपको आज के व्याख्यान में चर्चा की। गृह कार्य। प्यारे बच्चों, इस व्याख्यान से संबंधित दो प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा एवं पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया था कि जो C2H2 होती है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है और जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, HC CC H। तो आपको इसमें काउंट करना है कि कितने सिग्मा कितने पाई हैं। देखिए, यहाँ पर सिग्मा होगा, यहाँ सिग्मा होगा, यहाँ एक सिग्मा और दो पाई होंगे। इस प्रकार कितने होंगे, इसमें होंगे दो पाई और तीन सिग्मा। तो इस तरह से आपको यहाँ बताना है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल C2H4 का आपको बताया। C2H4 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बनों से हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा लगे होते हैं। इस प्रकार आपको इस वाले स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 यानी 5 सिग्मा और एक पाई बंध यहाँ पर प्रकट करना है। दूसरा प्रश्न है NCERT का 4.29। प्यारे बच्चों, प्रश्न यह है कि x अक्ष को अंतरनाभिकीय अक्ष मानते हुए यह बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाएंगे। प्यारे बच्चों, जब प्रश्न में कभी इस तरह की चीजें पूछी जाएं कि नहीं बनाएंगे, तो आपको वहां पर अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि ये बात को विशेष नहीं बनाने वाले। मींस क्या है कि x अक्ष को अंतरनाभिकीय अक्ष मानते हुए हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। तो चार हमें यहाँ दे रखे हैं, 1s 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 2px 2py और 2py, 1s और 2s। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन से कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाएंगे और इसका कारण भी आपको लिखना है। अगले व्याख्यान में हम संकरण के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।